चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण हेलो गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम टेरिया सभी पढ़ें सभी बड़े इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वी डिस्कस अबाउट द मेनी मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ़ द इनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फोटो सिंथेसिस एंड ऑल अबाउट रानसर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल टॉपिक्स दैन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जीव मंडल पारिस्थितिक तंत्र इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बिना समय गवाए अब मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ लेट्स स्टार्ट स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल इनके मिलने से वो भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है उसी भाग को हम जीवमंडल कहते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवन इसी मंडल में पाए जाते हैं और इस मंडल में छोटे छोटे कई परितंत्र होते हैं इसीलिए जीवमंडल कई पारिस्थितिक तंत्रों का समूह कहा जाता है यह एक पदानुक्रमिक इकाई है जिसमें जीव विशेष का एक सदस्य जीव विशेष की संपूर्ण संख्या विविध जीवों का समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे से आबद्ध इकाइयाँ होती हैं जीव मंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से मिलती है और जीवधारियों को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी संपूर्ण मंडल में एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है जहाँ जीव और पर्यावरण के बीच अंत संबंधों से एक क्रियाशील परितंत्र का निर्माण होता है जीवमंडल एक बृहत्तम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है और पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल का ही लघु रूप है इसीलिए जीवमंडल में एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी विशेषताएं निहित होती हैं अगर हम चर्चा करें तो जीव मंडलीय पारितंत्र में स्थलीय बायोम तंत्र में तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं पादप तंत्र जंतु तंत्र मृदा तंत्र और जलीय बायोम तंत्र को पादप तंत्र जंतु तंत्र और पोषक तत्व तंत्र के रूप में विभाजित कर सकते हैं और जीव मंडल के संगठकों की बात करें तो जैविक घटक में पौधे जंतु और वियोजक होते हैं और अजैविक या जिसको भौतिक घटक बोलते हैं उसमें जल थल वायु और मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है और तीसरे घटक की बात करें जीवमंडल के तो संगठक में जो तीसरा घटक है वह है ऊर्जा घटक इसमें सौर ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा की हम चर्चा करते हैं पारिस्थितिक तंत्र भूगोल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय या अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनके आपसी अंतर क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं पारितंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती रहती है और पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले ए जी टांसले ने 1935 में प्रयोग किया था और इनके हिसाब से दो प्रमुख भाग हैं जीवोम और आवासी क्षेत्र जिसको कि चर्चा कर देते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अगर स्पेशल फीचर्स की या क्वालिटीज़ की बात करें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक कार्यशील इकाई है और ये भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है एक विविध तंत्र भी होता है जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है ये एक संकल्पना है क्योंकि इसके जैविक और अजैविक घटक एक ही ढांचे में साथ साथ होते हैं और यह एक सुसंगठित सुगठित तंत्र होता है ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और इसकी निजी उत्पादकता होती है यह उत्पादकता पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है और पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सूर्य का ताप होता है इसी कारण से निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सूर्याता सूर्यातप तप की मात्रा में कमी आने से पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता इन दोनों फैक्टर्स में कमी आ जाती है और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है यह पारिस्थितिक तंत्र और इसमें सौर ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और पृथ्वी पर दीर्घकालिक सतत जीवन वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र की ही विशेषता है इसी क्रम में सभी जीवित जीव भौतिक पर्यावरण आपस में अंतर संबंधित होते हैं और आपसी प्रक्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इसका प्रमुख चालक बल सौर ऊर्जा है और ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है पारिस्थितिक कार्यशीलता की आधारभूति इकाई पारिस्थितिक तंत्र है और मनुष्य कृषि और उससे संबंधित कार्यों द्वारा पारितंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है और दो भिन्न पारितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को इको क्लाइन क्षेत्र कहा जाता है दो भिन्न पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को ईको क्लाइन क्षेत्र कहा जाता है दो पारितंत्रों के मध्य संक्र मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन और पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं जैव विविधता की समृद्धि पारितंत्र की स्थिरता और पारितंत्री संसाधनों का संरक्षण करना अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि विश्व को प्रमुख रूप से दो प्रकार के भागों में इसके पारितंत्र को बांटा गया है और इसका मतलब कि यहाँ की परिस्थितिक तंत्र दो प्रकार से प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र में विभाजित है अब हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की चर्चा करें तो प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय पारितंत्र में वन पारितंत्र मरुस्थली पारितंत्र घास पारितंत्र, टुंड्रा पारितंत्र और इसी क्रम में जली पारितंत्र की बात करें तो ताजे पानी और लवणीय या समुद्री जल इसके अलावा कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो फसल तंत्र उद्यान और एक्वेरियम ये कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं ये भी एक तरह की पारिस्थितिकी है ये भी एक तरह का पारितंत्र है इस प्रकार से स्थलीय पारितंत्रों में सबसे बड़ा पारितंत्र आप जानते होंगे मुझे बताना नहीं पड़ेगा ये हर प्रतियोगी को पता होगा जो भी पीसीएस समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी रूपी ट्रिपल एस के पीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लेक्चर्स को बराबर सुनते रहिए ये पर्यावरण के लेक्चर्स मैं बहुत ही प्योरीफाई मैटर्स को लेकर बनाता हूँ तो स्थलीय पारितंत्र में सबसे बड़ा पारितंत्र वन होता है और जलीय तंत्र के प्राणी इसमें होते हैं प्लवक जिसमें पादप प्लवक और जंतु प्लवक होते हैं और नेक्टोन हैं और बैंथाज हैं पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन के लिए हम इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि जैविक और अजैविक संगठक क्या हैं ऊर्जा प्रवाह है प्रकाश संश्लेषण है, है पोषण के स्तर हैं भू रसायन के चक्र हैं और आहार श्रृंखला हैं इसके बाद आहार जाल हैं और स्थिरता है जीव जगत पर्यावरणीय अवनयन प्रदूषण और पर्यावरण प्रबंधन उत्पादकता पादप जगत बायोम और प्राकृतिक आपदाएं ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसके अलावा भारत के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों की अगर चर्चा करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में सात पारितंत्रिक तंत्र में हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र जलोढ़ मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र उष्ण मरुस्थली पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पठारी पारिस्थितिकी तंत्र उत्तर पूर्वी पहाड़ी पठारी पारिस्थितिकी तंत्र मैदानी पठार सीमांत पारिस्थितिकी तंत्र अब हमें जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में जैविक या जीवी घटक और अजैविक घटक में किस प्रकार से हम करते हैं तो जैविक घटक में उत्पादक हैं उपभोक्ता हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उच्च मांसाहारी हैं और अपघन करता हैं अजैविक घटकों में अकार्बनिक पदार्थ में जल है लवण में कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर और गैसों में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और अमोनिया इसी प्रकार से कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स, यूरिया ह्यूमस भौतिक कारकों में प्रकाश या ऊर्जा ताप हवा विद्युत वर्षा आर्द्रता और स्थलाकृति होती है भौतिक संगठक के ऊर्जा पक्ष को अलग रखने पर पारिस्थितिक तंत्र के तीन मूलभूत घटक होते हैं जिसमें जैविक घटक अजैविक घटक और ऊर्जा घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक भी तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है प्रोड्यूसर्स ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते थे एक उत्पादक हो गए सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन और जल का उपचयन होता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना आहार बनाने के साथ साथ अन्य जीवों को आहार भी प्रदान करते हैं इसीलिए हरे पौधों को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माना जाता है हरे पौधे संपूर्ण पारितंत्र के लिए भोजन का उत्पादन और ऊर्जा संचय करने का कार्य करते हैं जिसमें कि वन पारितंत्र जो कि बड़े बड़े वृक्ष झाड़ियाँ और साकी पौधे होते हैं और घास स्थल पारितंत्र की चर्चा करें तो घास होते हैं जंगली साकी पौधे होते हैं और जलीय पारितंत्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार के सवाल होते हैं और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा कंज्यूमर्स उपभोक्ता इसमें प्राथमिक उपभोक्ता तो होते हैं शाकाहारी नेचर के ये प्राथमिक जैसे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इनको और इन्हें द्वितीय उत्पादक भी कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता तो को द्वितीय उत्पादक कहते हैं और ये तृतीय तो उपभोक्ता को भोजन प्रदान करते हैं द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी कैटेगरी के होते तो हैं ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं यानी शाकाहारियों को खाते हैं और इन्हें तृतीय उत्पादक कहा जाता है और ये तृतीय उपभोक्ता को भोजन प्रदान करते हैं और तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारियों को खाने वाले होते हैं या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाता है और सभी उपभोक्ता परजीवी होते हैं हेड्रोट्रोपिक होते हैं सभी उपभोक्ता याद रखिएगा ये पी में और आर में प्राय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी खाने वाले होते हैं और ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं और सभी उपभोक्ता हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जैसे कि परपोषी होते हैं जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव तीन प्रकार के प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं इसमें पहला है सेप्रोफाइट्स यानी कि मृत जीवी ये मृत पौधे और जीवों से अपना आहार प्राप्त करते हैं दूसरे होते हैं पैरासाइट्स पर अभी पैरासाइट मूवी को आसकर पुरस्कार मिला है तो वहाँ भी इसी प्रकार का कुछ संदर्भ होगा परजीवी का पैरासाइट परजीवी ये अन्य जीवित जंतुओं से अपना आहार प्राय प्राप्त कर लेते हैं और तीसरी जो कैटेगरी है होलोजोएक मतलब प्राणी संभोजी ये अपना आहार अपने मुख द्वारा प्राप्त करते हैं और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं चर्चा करूँगा टॉप कॉर्निवोर्स यानी उच्च मांसाहारी की श्रेणी ये सभी श्रेणी के मांसाहारियों खा जाते हैं लेकिन इन्हें कोई भी जंतु मार कर खा नहीं सकता है जैसे कि इसमें उदाहरण होगा टॉप कॉर्निवोर्स में शेर चीता जो शिकार करने वाले जानवर हैं ये आएंगे इसके बाद हैं पैरासाइट्स ये दूसरे जीवों पर निवास करते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पी में प्राय पूछ लिया जाता है ये प्रीडेटर्स क्या हैं पर क्या होते हैं ये दूसरे जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं और ये द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी कैटेगरी को होते हैं इसके बाद जो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑमनिवर्स यानी सर्वाहारी वो जीव शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उनको सर्वाहारी की श्रेणी में मानते हैं और ये मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त कर लेता है मनुष्य इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया है और ये जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है और अपघटक भी सर्वाहारी है क्योंकि ये पौधे तथा सभी प्रकार के जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करते हैं और इस दौरान उनसे अपना आहार भी प्राप्त करते हैं जैव आवर्धन का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव सर्वोच्च पोषण स्तर पर पड़ता है अब आप अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डी कम्पोजर्स अपघटक ये भी जीवी घटक होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं ये मृत पौधों और जंतुओं के शरीर का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं और इन्हें प्रकृति का मेहतर कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं अपघटक प्रकृति के मेहतर होते हैं इनको स्केवेंजर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है इसी अपघटन की क्रिया से ये अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसी क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड लवण फास्फोरस कैल्शियम ऐसे तत्वों में अपघटित हो जाते हैं अपघटक घटक मृत पौधों और जंतुओं के शरीर का अपघटन करके अकार्बनिक तत्वों को वातावरण में छोड़कर पदार्थों के चक्रीकरण में सहायक होते हैं अपघटक घटक मृत पौधों और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं और अकार्बनिक तत्वों को वातावरण में छोड़कर पदार्थों के चक्रीकरण में सहायक होते हैं अपघटक को अपचायक भी कहा जाता है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का अघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं इसलिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व अपघटकों द्वारा अपघटित होकर पुनः वायुमंडल और मिट्टी में पहुंच जाते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ फिर से हरे पौधे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं इस प्रकार अनेक खनिज तत्वों का पुनर्चक्रण होता है इसी प्रकार से अनेक खनिज तत्वों का पुनर्चक्रण होता है और अगर अब घटक नहीं होते हैं तो इन खनिज तत्वों का चक्रीकरण रुक जाने से वातावरण असंतुलित हो जाता इसीलिए अपघटक पदार्थों के चक्रीकरण में सहायक होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यू पी के लिए आज का लेक्चर बस यहीं तक अगले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा मृत पोशी अपटक इसके बाद आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँगा फूड चेन उसके बाद मैं फूड वेब पढ़ाऊँगा और भी आगे बहुत रोचक लेक्चर्स हैं टॉपिक लेवल्स होंगे इसके बाद बैलेंस इकोसिस्टम होगा स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम होगा और जैव संचयन पढ़ाऊँगा मैं जैव आवर्धन पढ़ाऊँगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताऊँगा इस प्रकार से बहुत ही रोचक तत्वों को मैं पढ़ाऊँगा बराबर मेरे लेक्चर्स पे लगे रहें इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की मेरे लेक्चर्स यू पी पी सी एस यू पी ट्रिपल एस सी पी ई टी और राज्य सरकार की सभी वन डे एग्जाम से बहुत ही प्रभावी होंगी जहाँ अभी पर्यावरण और वातावरण और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर्स पूछे जाएंगे वहाँ मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे मेरे चैनल का नाम है कॉमटेरिया मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कॉमटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें धन्यवाद